अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान की पहली सैलरी के लिए मैं उठ गई हूँ और 15 हो चुके हैं और हालत चेहरे की और आवाज़ मेरी भारी लग रही होगी क्योंकि मैं अभी उठी हूँ। ऑफकोर्स आउट ऑफ रूटीन होता है पहला जो अशरा होता है रमज़ान का, तो वो इस वजह से थोड़ा सा खाने का भी दिल नहीं है ज़्यादा, तो हमने ज़्यादा सैरी का एहतमाम नहीं किया, लेकिन जो भी किया वो मैं आपको ज़रूर दिखाती हूँ कि क्या क्या हमने बनाया है। तो मैं आ गई हूँ किचन में और अभी मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ कि हमने क्या क्या बनाया है। ये मैंने एक छोटा सा कबाब तल दिया है और इसके साथ ये रही चाय और ये है फेनी जो कि अम्बी खाती हैं मेरी, और मैंने फेनी प्रिपेयर नहीं करी तो मैं खजला खाती हूँ, तो ये दोनों बाउल में जो है ये भी सोक करके रख दिया है। और यहाँ पर तीसरे जगह मैं आपको दिखाता हूँ कि लस्सी भी है क्योंकि गर्मियाँ हैं और मुझे लगता है कि लस्सी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सहरी के सारा दिन मुझे ताज़ा रखेगी। कबाब जो मैंने आपको दिखाया है वो मैं खाऊंगी पराठे के साथ। हमारे यहाँ नीचे ही सहरी का बहुत अच्छा इंतज़ाम होता है, माशाल्लाह बहुत रौनक होती है मेरे वाले एरिया में, और सहरी मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, ख़ासतौर पर जब सहरी में मस्जिदों में छोटी छोटी सी जो नाते हैं और छोटी छोटे से जो चीज़ें लोग पढ़ते रहते हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं, मुझे आवाज़ आ रही है, ये रौनक है मुझे रमज़ान के अलावा कहीं नहीं मिलती और मैंने बहुत मिस करती हूँ सारा साल, तो बड़ा अच्छा सा माहौल बन जाता है और वो माहौल अभी स्टार्ट हुआ है, तो अब तो इंशाल्लाह ताला पूरा महीना ही इंशाल्लाह ताला ये देखने को मिलेगा, इंजॉय करने को मिलेगा, बहुत पीसफुल टाइम होता है बाहर, रौनक भी है बाहर, पीसफुलनेस भी है कि जो मस्जिदों में जो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहे हैं और अच्छा सा माहौल बना हुआ है रौनक है मस्जिदों में जो कि सारा साल देखने को नहीं मिलती, फजर में लोग बाजमात नमाज पढ़ते हैं। तो आप लोगों की सैरी कैसे जा रही है, उम्मीद करती हूँ अच्छी जा रही होगी, सब आउट ऑफ रूटीन होंगे और मेरी तरह उनका भी हाल थोड़ा सा ऐसा होगा कि कुछ खाने का मन नहीं होगा और सोच के डर लग रहा होगा सारा दिन गर्मी का रोज़ा कैसे गुजरेगा, बट बिलीव मी अगर आप सैरी में कम खाएँगे और लस्सी का इस्तेमाल दही का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो सारा दिन अच्छा गुजरेगा। और अगर आप सारा दिन भूख और प्यास की हालत में भी हों तो एक बात बता देती हूँ जिससे सब्र आ जाएगा, वो ये कि मैंने कहीं पढ़ा था कि ड्यू टू साइंस अगर आप सारा दिन कुछ नहीं खाते तो आपका जिस्म आपकी बॉडी जो है ना आपके जिस्म के ज़रिए जो है ना खुराक लेना शुरू कर देती है और उन हिस्सों को खाना शुरू कर देती है जो कि ख़राब हों, बीमार हों, गले सड़े हों, पार्टिकल्स जो आपके ख़राब हो रहे होते हैं जिस्म के वो जो है ख़त्म हो जाते हैं और एक रिफ्रेशमेंट आ जाती है। वो कहते हैं ना साल में एक दफ़ा खून डोनेट करना चाहिए ताकि नया खून बने, तो ये भी एक तरीके से आपके जिस्म की ज़कात है जो कि आप निकाल रहे होते हैं। तो इसके किसी किस्म के नुकसान तो नहीं सुने मैंने, सिर्फ फ़ायदे सुने। आप लोग इंटरनेट पर जाके रिसर्च कीजिएगा और मेरी बात की तस्दीक ज़रूर कीजिएगा। तो बस मैं जल्दी से जा रही हूँ अपनी सैरी करने के लिए, आप लोगों से मुलाकात करने का दिल कर रहा था तो मैं ऐसी जैसी हालत में थी ऐसी आ गई और आप लोगों को बता दिया कि मैंने सैरी में क्या किया है, तो मैं जा रही हूँ अपनी सैरी करने के लिए। आप लोग भी जल्दी से जल्दी अपनी सैरी निपटा लीजिए, सुबह उठ के इंशाल्लाह ताला देखूँगी कि किस किस व्लॉगर ने अपनी सैरी का रूटीन शेयर किया है और फिर उसे इंजॉय करूँगी। तो खूब इबादतें करें, मुझे मेरे घर वालों को इबादतों में याद रखिएगा, इंजॉय कीजिएगा जितनी मेहनतें और जितने हार्ड वर्क कर सकते हैं अपनी इबादतों में जाग सकते हैं इस महीने में, नेकियां समेट सकते हैं वो सब कुछ करिएगा। मुझे मेरे फैमिली को ज़रूर उनमें शामिल कीजिएगा, दुआओं में शामिल कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझसे सही से नहीं बोला जा रहा, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ उस टाइम, बट यस जल्दी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।